उड़द की दाल में अच्छी तरह धो के हम इसको भिगो लेंगे। उड़द की दाल को हमने धो दिया, अब हम इसको भिगो के रखेंगे रात भर। ये हमने भिगो के रख दी, रात भर भिगोने के लिए छोड़ दिया मैंने। रात को हमने जो उड़द की दाल भिगोई थी, अब हम इसको अच्छी तरह धोएंगे, इसके छिलके उतार देंगे। किसी बड़े बर्तन में पलट के इसको अच्छी तरह धोएंगे। बड़े बर्तन में पलट लिया, अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसको ऐसे मसल के अच्छी तरह इसके छिलके उतार देंगे। नमस्ते जी, हम बनाने जा रहे हैं उड़द के पकोड़े। हमने रात को दाल भिगो के रख दी थी पूरी रात, अब इसको हमने पानी से निकाल लिया। अब इसे मिक्सी में हम पीसेंगे। ये एक कटोरी दाल है, हमने दाल को पलट लिया। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च दो कटी हुई, लहसुन की कलियां 8-9, एक अदरक का टुकड़ा, ये भी हम जार में डाल देंगे इकट्ठे पीसने के लिए। अब लेंगे 3-4 काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, ये भी हम इसी में डाल देंगे, 2 चुटकी काला नमक और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, सफ़ेद दोनों ही नमक अब इसमें मिला देंगे। लाल मिर्च थोड़ी सी, 2 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच अमचूर, एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। हमने इसका एक बारीक पेस्ट बना दिया है, ये हमने पीस लिया। अब हम किसी बर्तन में इसे पलट लेंगे। अब डालेंगे थोड़ी सी हींग, उसके बाद डालेंगे कस्तूरी मेथी थोड़ी सी, हरा धनिया और प्याज, ये मैंने बारीक बारीक काट दिए, ये भी हम मिक्स कर देंगे। अब इनको हम अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे। जैसे बड़ों के लिए एक ही साइड दही बड़ों के लिए फेंटते हैं, ऐसे फेंटना है एक साइड अच्छी तरह। एक ही साइड को फेंटना है। हमने गैस जला ली, हम कढ़ाई रखेंगे और हम डालेंगे रिफाइंड। ये हमने रिफाइंड गिर दिया कढ़ाई में, डाल दी। अब रिफाइंड को हम गर्म होने देंगे। यह हमारा तेल गर्म होता है जब तक हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे दाल को। दाल को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। इसको हमने 2-4 मिनट फेंटा है। अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे। तेल गर्म हो गया हमारा, इनको धीमी आंच में तलेंगे हम। अब हम पकौड़ों को पलटेंगे। ये हमारे फ्राई हो गए, अब इनको हम निकालेंगे। ये हमने निकाल लिए, दूसरा बैच डालेंगे। आंच को धीमे ही रहने देंगे। अब इनको हम पलट लेंगे दोबारा। पलटने के बाद थोड़ी सी आंच तेज कर लेंगे, फिर उसके बाद धीमी आंच कर लेंगे। अब हमने इनको पलट लिया, अब थोड़ी तेज आंच कर लेंगे। 1 मिनट के लिए तेज करी, अब कम आंच कर देंगे और थोड़ी सी आंच तेज कर देंगे इनको हिलाते समय, पलटते समय दोबारा।
तेज आंच रहेगी तो हिलाते रहना, ना तो नीचे जल जाएंगे वो। और आंच कम कर देंगे। अभी थोड़े पक गए, इसको अब थोड़ी आंच तेज कर देंगे। ये अंदर से अच्छी तरह पक गए, अब आंच तेज करें तो थोड़ा करारा कर देंगे हम। और हम करेंगे करारे खस्ते, इसलिए आंच तेज कर दिए थोड़ी। ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये बन गए हमारे उड़द के एकदम खस्ता पकोड़े, उड़द के पकोड़े। ये देखो एकदम खस्ता, एक एक पकौड़ा खस्ता बना हुआ। देखो और अंदर से देखो जूसी। देखो ये तैयार हो गए हमारे उड़द के पकोड़े। इसे चाहे टमाटर की चटनी के साथ खाओ, चाहे हरी चटनी के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।